वेल तो ही गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज। तो वेल आप लोग का स्वागत है नॉर्मी रेसलिंग में। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं रोमन रेंस के बैड ब्लड, इसमें क्या पेपर व्यू में मैच होंगे, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है, इस बारे में बात करेंगे। एंड डिस्कस करने वाले भाई सीएम पंक और ड्रू मैकइंटायर दोस्ती निभाते हुए दिखाई दिए। हाँ भाई, दोस्ती निभाते हुए, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और बात करने वाले हैं जो कि भाई साहब निकी क्रॉस के एक मल्टी ईयर डील को लेकर, मिकमैन के डॉक्यूमेंट्री को लेकर। तो काफ़ी कुछ अच्छी खासी अपडेट्स मैं आप लोग को सुनाऊंगा, इसलिए वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देख सकते हो। और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। ओके, इसे चलते हैं फिर टॉपिक पे आते हैं। सो टॉपिक की शुरुआत करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और यह हमें देखने को मिल रहा है विंस मैकमैन ने, हाँ विंस मैकमैन के डॉक्यूमेंट्री को लेकर। तो विंस मैकमैन की डॉक्यूमेंट्री देखने को मिलेगी, मोस्ट अवेटेड डॉक्यूमेंट्री, जो कि पता नहीं कौन से साल से बन रही है। अब फाइनली वो कंप्लीट हो चुकी है, फाइनली डेट भी अनाउंस हो चुका है, और कब तक देखने को मिलेगा इसको भी लेकर भी अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो अनाउंसमेंट यह है कि भाई इनकी जो डॉक्यूमेंट्री है वो हमें देखने को मिलने वाला है 25 सितंबर को, यानी कि 25 सितंबर को इनका ये जो डॉक्यूमेंट्री है नेटफ्लिक्स पे देखने को मिलेगा। एंड लेट्स सी भाई, मिकमैन की डॉक्यूमेंट्री है वो भी विंस मैकमैन की, तो डेफिनेटली आप लोग समझ रहे हो क्या कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या कुछ चीज़ें मिल सकती है, देखते हैं मतलब क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी हो तो बहुत कुछ सकता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हो, स्कैंडल से सैंडल तक। बाकी वैसे बात कर लेते हैं अपने अगले अपडेट के बारे में, और ये अपडेट है भाई सीएम पंक को लेकर। मैंने इंडिया लिखा है क्या? नहीं भाई, सीएम पंक स्पॉटेड इन बैश इन बर्लिन। तो सीएम पंक भाई स्पॉट होते हुए दिखाई दे चुके हैं, क्योंकि बैश इन बर्लिन के लिए भाई सभी सुपरस्टार पहुँचते हुए दिखाई दे चुके हैं और तैयारियां हो चुकी है। तो यहाँ पर एक वीडियो भी देखने को मिली है जिसमें आप तो देख सकते हो सीएम पंक काफ़ी ज़्यादा भाग दौड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और भाग दौड़ करता हुआ बंदा मुझे बहुत पसंद है जो कि सीएम पंक यहाँ पर वो कर रहे हैं। आई लाइक इट। सूर्या भाई ऐसे ही खुश नहीं होंगे भाई इनको देखकर, क्योंकि सीएम पंक तो हमेशा भागते रहते हैं। बाकी वैसे बात कर लेते हैं अपने अगले अपडेट के बारे में, और ये अपडेट हमें यहाँ पर सीएम पंक से रिलेटेड ही देखने को मिल रहा है। तो देखो यार, भाईचारा तो WWE के अंदर हर एक सुपरस्टार एक दूसरे से निभाता ही है, बट ये कैसा भाईचारा है भाई, तुम ऑन स्क्रीन लड़ रहे हो एक दूसरे से, बट यहीं ऑफ स्क्रीन में अपने आप में दोस्ती निभा रहे हो, वही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है सीएम पंक और ड्रू मैकइंटायर के बीच में। तो रॉ का जो एक फुटेज तो नहीं कहेंगे, फोटो देखने को मिला है, जिस फोटो के अंदर ड्रू मैकइंटायर और सीएम पंक दोनों अगल बगल में खड़े होकर बतिया रहे हैं। और कौन मूर्ख था भाई जिसने फोटो भी खींच के डाल दिया नेट पे, लो हो गया बंटाधार। अंडरटेकर ऐसे ही नहीं बोलता कि भाई ये लोग नहीं संभाल सकते यार, जो कैफे वाली चीज़ें ये लोग नहीं कर पाते हैं, और वही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पहले के ज़माने में अंडरटेकर जला के मार देता था केन को, भाई सालों साल पता नहीं चलता था जिंदा भी है कि नहीं है, लेकिन अब देखो पता चल जाता है कि भाई कल ही लड़ाई हुई, आज दोस्ती दिखा रहे लोग, बट चीज़ें कोई ठीक नहीं है। बट यहाँ पर चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि क्योंकि केफिप तो है नहीं ना, ये 1998 का टाइम तो है नहीं, 2024 का है, तो फोटोज़ यहाँ पर लीक तो होनी ही थी। और कोई मैनेजमेंट में भाई WWE के मैनेजमेंट में, रेस्लिंग मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ यार, ये लोग पता नहीं कैसे क्यों फ़ोटो डाल देते हैं, क्या मज़ा आता है। ऑब्वियसली आज के ज़माने में सबको लीक चाहिए रहता है, लेटेस्ट न्यूज़ चाहिए रहता है, तो चीज़ें देखने को मिल जाती है। बट पर्सनली यार मुझे कैफे वाली चीज़ें बहुत पसंद आती है, बट जब कैफे ब्रेक होता है मेरा बहुत दिलाहट होता है, ठीक है। बाकी वैसे बात कर लेते हैं अपने अगले अपडेट के बारे में, बात कर लेते हैं। तो ये अपडेट हमें यहाँ पर निकी क्रॉस से रिलेटेड है। तो निकी क्रॉस वन ऑफ माय फेवरेट सुपरस्टार, अलेस्टर ब्लैक के साथ में जो फ्यूड चल रही थी, जहाँ पे अलेस्टर ब्लैक और निकी क्रॉस एक साथ रिंग में देखने को मिले थे, तो वो जो चीज़ें हैं ना भाई, मुझे हमेशा 2019 वाली चीज़ें याद रहती है। तो वो एक मेमोरेबल मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि उस टाइम की जो NXT थी ना भाई, टॉप नॉच नेक्स्ट लेवल NXT थी। तो वो चीज़ें यहाँ पर निकी क्रॉस का नाम लेते मेरे को वही चीज़ याद आता है, निक इज नो सीक्रेट ऐसा कुछ, अलेस्टर ब्लैक का कुछ चल रहा था स्टोरी लाइन। तो बाकी निकी क्रॉस ठीक ठाक है भाई, इन्होंने अच्छी खासी डील साइन कर ली WWE के साथ में, वाइट सिक्स फैक्शन में भी देखने को मिल रही है। आई होप सो उनके लिए काफ़ी बढ़िया फ्यूचर हो, ब्राइट फ्यूचर हो। बट इनका जो अपडेट ये देखने को मिल रहा है कि इन्होंने WWE के साथ में मल्टी ईयर की डील साइन कर ली है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है, एंड आई लाइक इट। निकी क्रॉस WWE के साथ में बनी है, और बनी रहे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, और अच्छा भी लग रहा है भाई कि निकी क्रॉस WWE के साथ नहीं है। बाकी वैसे बात कर लेते हैं अपने अगले अपडेट के बारे में, बात कर लेते हैं ठीक है। और ये अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, रोमन रेंस, हाँ द हेड ऑफ द टेबल द ट्राइबल चीफ के बैड ब्लड मैच को लेकर। तो देखो यार, रूमर्स पतंगा हर जगह से उड़ता है,
और रूमर्स बहुत ही ऐसे देखने को मिलते हैं ना कि चीज़ें जो हमेशा है न्यूज़ को इधर से उधर पलटने के लिए काफ़ी रहती है। तो चीज़ें यहाँ पर क्या हुई है मैं आप लोग को बता देता हूँ कि रोमन रेंस को लेकर अपडेट्स ये है कि बैड ब्लड में शायद से उनका मैच ना देखने को मिले, क्योंकि स्टोरी लाइन किस जिस तरीके से चल रही है ना, और अगर आप लोग देखे रहोगे देख ही रहे हो वैसे भी, तो रोमन रेंस सोलो सिकोवा के बीच में चीज़ें चल रही है एंड जैकब फाटू भी चीज़ें यहाँ पर मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर एक दूसरे से बन चुकी हैं। तो चीज़ें यहाँ पर यह है कि भाई रोमन रेंस को अकेले सारे भारी पड़ेंगे और ऐसे में यहाँ पर रोमन रेंस को ज़रूरत पड़ेगी बैकअप की, और बैकअप बुलाते बुलाते इनको टाइम लग जाएगा, जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि स्टोरी लाइन ये पार कर जाएगी बैशन बर्लिन का टाइम भी, और फिर इसके बाद जो हमें बैड ब्लड का टाइम है उसको भी पार कर जाएगी। बट मुझे क्यों लगता है कि भाई WWE यहाँ पर शॉर्टर करके बैड ब्लड में ये मैच करवा देगी, बट यहाँ पर कुछ रूमर्स के अकॉर्डिंग कि बैड ब्लड के अंदर शायद हमें रोमन रेंस ना देखने को मिले या रोमन रेंस का मैच ना देखने को मिले। लेट्स सी, अभी अर्लियर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग तो ऐसा नहीं कह सकते कि हमें ऐसा कुछ होगा या फिर नहीं होगा, कुछ कंफर्म मैं नहीं कर रहा, बट चीज़ें यहाँ पर यही है कि भाई रूमर्स में ऐसा बताया जा रहा है कि बैड ब्लड में शायद से इनका मैच ना देखने को मिले। ये भी एक रोमन रेंस को लेकर बैड न्यूज़ है, बट बहुत ही बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई होप सो कि बैड ब्लड में मैच मिल जाए, रोमन रेंस की झलकियाँ मिल जाएँ, और स्पेशली आज रोमन रेंस कितना तारीख है, 30 अगस्त, आज ही के दिन रोमन रेंस ने आज से ठीक 2020 में इन्होंने अपनी WWE यूनिवर्सल चैम्पियनशिप की रेन को स्टार्ट किया था एंड रेस्ट ऑफ हिस्ट्री। बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है भाई इन सारे अपडेट्स को लेकर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो भाई, शेयर कर दिया करो भाई, सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, एंड व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। रुको 50 सेकंड होने दो, हाँ हो गया ठीक है बाय। हर बार ये गेम करे खून मेरा बॉल करे, लिखनी है कहानी मुझे बोलो ना जुबानी इन्हें, ले लिया सौ फेरा दिखता ना इनका सवेरा, वर्ड्स और रीलोड स्टार्टअप।